बाकी है 1 बजने में, और हम अभी निकल रहे हैं और हम आएंगे रात को वापस। तो हम लोग को घर से निकले में 40 मिनट हो गए और अब व्यायाम भी हो गया। ये देखिए प्रसाद ले लिया, दो गुलाब ले लिए क्योंकि खाटू श्याम बाबा को गुलाब। ये वही पेड़ है, पीपल का पेड़ जो बोला गया है। बजा बजा जोर से बजा और बजा बजा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है, मैं बहुत कम ब्लॉग आजकल डाल रही हूँ, कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। वो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो ब्लॉग मैंने बनाया है, ये लगभग 1 वीक पहले का ब्लॉग है, मतलब 1 हफ्ते पहले का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ अभियान को रेडी कर रही हूँ मैं, खाने वगैरह सब बना लिए थे और हम निकलने वाले थे 1 बजे मंदिर जाने के लिए। तो ये जो मंदिर जा रहे हैं ना, हम प्लान तो बहुत पहले से किए थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो अचानक से सडनली प्लान हुआ, मतलब रात को, कि नेक्स्ट डे हम लोग मंदिर जाएंगे, खाटू श्याम बाबा का मंदिर। तो वो हम बताएंगे आपको कि कौन सा खाटू श्याम बाबा का मंदिर जा रहे हैं हम गाड़ी में निकलने के बाद। तो यहाँ अभियान को रेडी कर रही हूँ और अभियान के पापा रेडी हो चुके हैं और मुझे रेडी होना, मतलब मैं रेडी होना बाकी हूँ। तो अभियान को रेडी करने के बाद उसके पापा संभालेंगे उसको, जब तक मैं अपना रेडी होंगी। तो मैंने अभियान के लिए खाना वगैरह बना लिया था और अब हम अपने लिए भी बना लिए थे, रास्ते के लिए भी और घर के लिए भी। तो घर में तो नाश्ता वगैरह कर लिया था और रास्ते के लिए मैंने पैक कर लिया था खाना जो हम गाड़ी में खाने वाले थे जब हमें भूख लगती, क्योंकि आजकल ना बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल सोनीज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ कहीं जाने के लिए, वो मैं आपको थोड़े देर बाद बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी निकलने के बाद बताऊंगी। सुबह सुबह से भाग दौड़ थी बहुत ज़्यादा, तो अभी प्रॉपर सारा काम हो गया है और सब कुछ हो गया है। अभियान इधर आना। और अभी बज चुके हैं 1 बजने वाले हैं, मतलब 15 मिनट बाकी है 1 बजने में, और हम अभी निकल रहे हैं और हम आएंगे रात को वापस, हमें ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैं इतना बता रही हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ इसलिए मैंने सूट पहन रखा है। तो मैं हो चुकी हूँ अब पूरी तरह से रेडी। हाँ बेटा, और अभियान भी हो चुका है रेडी। और अभियान का खाना भी मैंने पैक कर लिया क्योंकि थोड़ा दूर का सफ़र है, हमें जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, आई थिंक 2-2.5 घंटे, आने में भी 2-2.5 घंटे, और मंदिर दर्शन करेंगे फिर आएंगे हम लोग। अभियान इधर आओ, क्या कर रहे हो मम्मा के बैग में? अभियान रेडी हो गया है ना कहाँ जाने के लिए, बता दो। हाय गाइस करो, हाय गाइस किसी दे दो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे हाथ से करो। चलो बाय कर दो। अब हम लोग गाड़ी में बैठ के ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है? तो हम लोग अब निकलते हैं, अभियान को शूज पहनाते हैं और मैं भी अपना जूता चप्पल पहनती हूँ और निकलते हैं। चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी बज चुके हैं 1, हमें पहुँचने में लगेंगे कितने घंटे, 3-4 बजे तक पहुंचेंगे। मुझे लगा 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वही तो हो गया ना, तो अभी 1 बज रहा ना, 2-3-4, मतलब 3 घंटे लगेंगे। चलो 4 बजे तक पहुंचेंगे और हम कौन सी मंदिर जा रहे हैं अभी आप लोगों को बताएंगे थोड़े देर में कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना अभियान? बाहर निकलने के बाद तो शांत हो गया, अभी थोड़ी देर ही शांत रहेगा, उसके बाद शांत नहीं रहेगा ये। और इसको लेके इतने दूर का सफ़र ना, मुझे बड़ा दिक्कत होता है इसको ऐसे बैठा के, ये बैठता नहीं है, बदमाशी करता है, कार को छेड़ता रहता है।
तो अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवा रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी में हवा वगैरह चेक कर रहे हैं टायर में और यहाँ पे जैसे इसके पापा सीट से उतरते हैं ना अपने, ये ना इसको ना छूट मिल जाती है, ये बस बैठ जाता है और इसको देख रहा हूँ, शैतानी देख रहा है कितना कर रहा है, बस इसको चलाना है चलाना है, मत करो पापा गुस्सा करेंगे। पापा गाड़ी लॉक करके गए हैं और ये है कि स्टेयरिंग घुमाने में लगा हुआ है, ये देखो मुझे लगता है ये ड्राइवर बनेगा बड़ा होके। हाय गाइस, हेलो, भाग भाग जल्दी भाग जल्दी भाग पापा, अरे जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, अरे ये घुमा देगा, मत कर गाड़ी ऑन है पापा का, गाड़ी ऑन है मत कर, पापा गुस्सा करेंगे, कुछ हो जाएगा फिर आगे निकल जाएगी गाड़ी हम दोनों का। हेलो गाइस, तो हम लोग को घर से निकले हुए 40 मिनट्स हो गए और अव्यान भी सो गया, ये देखिए कैसे सो रहा है, इसे नींद आ ही रही थी क्योंकि इसका ये टाइम है सो जाने का। तो अब हम बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये बताएंगे मेरे हस्बैंड कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तो हम जा रहे हैं चुलकाना धाम, जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, एक्चुअल मंदिर जो है वो चुलकाना धाम में है। ऐसे तो राजस्थान वाला जो खाटू श्याम का बाबा मंदिर है वो भी हम जा चुके हैं, वो अब मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर कर दिया है, लेकिन ये जो मंदिर है ना ये एक्चुअल मेन मंदिर है खाटू श्याम बाबा का, जहाँ पे स्टोरी बताएंगे आप, जहाँ पे वो एक तीर से पूरे पेड़ के पत्तों को उन्होंने छेद किया था, पेड़ भी वहीं पे और यहीं पे उनका शीश भी दान किया था। अच्छा, वहीं पे उनका शीश दान हुआ था वहीं पे है ना, या गिरा था, दान किया गया था। अच्छा, तो वो मेन एक्चुअल मंदिर है, तो हम इसीलिए आज हमने सोचा, छुट्टी भी था तो प्लान किया कि हम मंदिर घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं पापा का, इसीलिए तो आपके साथ आगे शेयर करेंगे मंदिर का भी पूरा टूर व्लॉग, अगर कैमरा ओपन करने मिला तो, और अदरवाइज तो शायद नहीं हो पाए, शेयर नहीं कर पाए, तो पूरी जर्नी शेयर करते हैं। अभी तो हमें 40 मिनट्स ही हुए हैं और हमारे घर से मतलब कि दिल्ली में ही है वो, और 80 किलोमीटर हाँ, तो बस 80 किलोमीटर है रास्ता तय करना हमें, तो अभी तो हम कितना पहुँचे हैं, अभी कितना पहुँचे होंगे हम लोग, 10 किलोमीटर, हाँ अभी हम 10 किलोमीटर ही पहुँचे, क्योंकि हमें टाइम लग गया था वो 10-15 मिनट लग गया था हमें पेट्रोल पम्प पे, थोड़ा गाड़ी वाड़ी का जो हवा वगैरह चेक कर रहे थे, उसके बाद फिर हम निकले थे, तो टाइम लग गया, फिर भी चलो पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं, फिर आगे जर्नी आपके साथ शेयर करते रहते हैं क्या क्या करते हैं। और अगर ट्रैफिक अच्छा रहा ना, जैसे कि जाम नहीं मिला ट्रैफिक, तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर जाम मिला तो हमें बहुत देर लगेगी, खा पी के तो निकले हैं, बीच में भूख लगेगी तो खाना पीना तो करना ही पड़ेगा। नो अभी पापा आ रहे हैं, अभी हम लोग 40 किलोमीटर पहुंच चुके हैं, अव्यान सोकर भी उठ गया है और मुझे बिल्कुल मतलब एकदम माथा दर्द हो रहा है गाड़ी में बैठे बैठे। अभी कुछ अपने लिए मंगा रही हूँ बाहर से, जैसे कि लस्सी वस्सी हो या तो कुछ चटपटा हाजमोला वगैरह, थोड़ा जी घबरा रहा है गाड़ी में बैठे बैठे, तो इसीलिए गए हैं बाहर लाने के लिए। अव्यान मत छूना, पापा मारेंगे, जैसे इसके पापा ने ये सीट खाली करते हैं ना तो इसको बस यहीं पे बैठना है, और ये उस्तादी करने चालू कर देता है स्टीयरिंग घुमा के। चाबी नहीं है, पापा लेके गए चाबी, तुम्हारे वजह से ही लेके गए पापा। चलो ट्रैफिक तो थोड़ा कम है, पहुंच जाएंगे, 40 किलोमीटर पहुंच गए हैं तो अभी और शायद 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। अभियान छेड़ो मत गाड़ी को, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ऐसा है
गए बस 10 मिनट में, और अभी टाइम हो रहा है 3:30, एग्जैक्ट 3:30 बज रहा है, 10 मिनट में बस पहुंच जाएंगे। और ये रास्ता ना बिल्कुल अंदर, मतलब जहाँ पे मंदिर है बिल्कुल गांव जैसा, मतलब गांव जैसा रास्ता है। थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं है, थोड़ा क्या बोलते हैं, पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। और अगल बगल में खेत है पूरे, ये देख सकते हैं आप, खेत ही खेत है अगल बगल में रास्ता में। नज़ारा अच्छा है लेकिन गांव जैसा बिल्कुल। कभी कभी यहाँ मतलब गांव का भी मज़ा लेना चाहिए आकर। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, ये रहा लिखा हुआ चुलकाना धाम श्री श्याम बाबा। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये छोटा सा तालाब है ना, छोटा सा तालाब, तालाब है या पानी भर गया बारिश वगैरह से पता नहीं, आई थिंक तालाब ही होगा। और इधर खेत ही खेत हैं सारे। और ये है रास्ता, पहुंच चुके हैं और बस हम वॉक करके अब जा रहे हैं मंदिर में। 5 मिनट का रास्ता है वॉक करने के बाद, गाड़ी को पार्क कर दिया और पैदल पैदल जा रहे हैं। ये दोनों बाप बेटे अज्ञान और पापा उसके, काफ़ी धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही धूप है। लोहा है, साइड कर लेना उसको। अभियान इधर आओ, पापा के पास, पापा के पास आओ, चलो चलो ऊपर चलो, आओ यहाँ पे चप्पल खोल, चेस का जूता खोल दो, खोल दो खोल दो। अभियान इसको सिर्फ ऊपर लगा देना सर में। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया, 2 गुलाब ले लिए क्योंकि खाटू श्याम बाबा को गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब भी चढ़ाया जाता है इसीलिए, और टीका भी लगवा लिया। अभियान को देखो, और काफ़ी धूप है, मतलब पैर जल रहे हैं, पता है इतनी गर्मी हो रही है, इतना धूप है कि ज़मीन पूरा गर्म हो चुका है, पैर जल रहा है। ये वही पेड़ है, पीपल का पेड़ जो बोला गया है ना, वही है, वही पेड़ है।
है मेरा, थोड़ा सा पसीना से निकल रहा है। हाँ ठीक है। दर्शन हो गए हमारे, प्रसाद भी चढ़ा दिया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए यहाँ पे, बहुत आराम से बिल्कुल सामने से। और अब पूरी मंदिर थोड़ा घूमते हैं फिर निकलेंगे। बाहर का रास्ता है पता नहीं। हाँ जल्दी चलो। चलो चलो आगे आगे गंदी बात, आगे चलो। अभियान अभियान इधर आओ, इधर आओ। पापा कहाँ हैं? पापा हैं, पकड़ो हाथ, पकड़ो पापा को। हाँ मैं भी चल रही हूँ, चलो। बजाओ बजाओ जोर से बजाओ और बजाओ बजाओ। तो हमारा दर्शन हो गया बहुत अच्छे से, प्रसाद वगैरह ले लिया, निकल रहे बस हम, और गाड़ी से पार्किंग से अपनी गाड़ी लेंगे और फिर निकल जाएंगे घर के तरफ, तो पहुंच जाएंगे रात होते होते तक। नहीं टॉफी नहीं खाते, देखो पापा गाड़ी से निकाल देंगे अभी तुम्हें, गाड़ी से पापा आपको निकाल देंगे नीचे, तुम पैदल आना घर, ठीक है? मम्मा मम्मा चली जाएगी, तुम पैदल आना, तुम अपने से चल के आना। देखो गैया गैया गैया, देखो गैया कहाँ है, देखो तो गैया है नहीं है, गैया गैया आ गई बाबू, इधर गैया आ गई। बुला चिड़िया को बुला, कौआ को बुला, कौआ कौआ आ जा। शांति से तुम नहीं रहते हो, एकदम परेशान करते हो मम्मा को तुम, पूरे रास्ते परेशान करते हो। सो जाओ ना तुम थोड़ा सा। तो हम ना घर के पास आ चुके थे और हमें आधा घंटा यहाँ से लगने वाला था घर पहुँचने में,
तो रास्ते में ना यहाँ पे हस्बैंड बोले कि चलो ये जब आए ही हैं तो यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह देख लेते हैं घर के लिए, जला के नाइट लैम्प वगैरह जो होता है ना थोड़ा डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, तो बस वही हम देख रहे थे और हमें पसंद आ गया, तो बस हमने वो 3 पीस ऑर्डर कर दिया और ले लिया। और ऐसे तो और भी चीज़ पसंद आ रहे थे लेकिन अभी पूरा पॉसिबल नहीं था लेना, तो इसीलिए लिया नहीं। बाद में देख चेक करके लेंगे हम कि कौन सा सूट करेगा अपने हमारे घर के लिए, तो वो लेंगे। तो बस हम यहाँ पे जो हमने लैंप पसंद किया था उसको हम चेक कर रहे हैं कि बस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, चेक करके फिर हम लेने वाले थे। 3 पीस ऑर्डर किया था हमने और हमने अपने घर में लगा लिया। ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी अफोर्डेबल था। तो हाय गिर जाओगे, ऐसे ही रहना, पकड़ के रखो, आगे पीछे, आगे नहीं आना, उधर ही रहना, पापा के पास ही रहो। तो यहाँ ना अव्यान को मैंने पीछे ही बैठा लिया अपने साथ में, क्योंकि अव्यान ना बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था आगे बैठकर, तो यहाँ पीछे बैठा लिया था कि शांति से बैठा रहेगा, और चुपचाप से थोड़ी देर के लिए बैठा था ये मेरे पास। तो हम ना घर जाने के पहले सब्जी मार्केट भी जाने वाले थे, घर के पास में ही है, तो सोचा कि साथ में लेते हुए घर चलेंगे। हेलो गाइज, तो अभी बज चुके हैं 7:30 और हम घर बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सब्जी मार्केट में है, यहाँ से बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। कुछ सब्जी ले लेते हैं क्योंकि घर में सब्जियां भी नहीं हैं, तो हस्बैंड गए हैं सब्जी लेने के लिए। मैं यहाँ अव्यान को संभाल रही हूँ। अव्यान को संभालना इतना मुश्किल है ना कि क्या बताऊँ, मतलब मैंने बोला कि मैं चली जाती हूँ सब्जी ले लेती हूँ आप बैठ के संभालो, तो उनको वो बोल रहे कि नहीं तुम संभालो मैं सब्जी लेके आता हूँ। इसको देखो आप, पापा की सीट खाली होती है ना तो इसको यहीं पे बैठना है, इतना जिद्दी हो गया, इतना जिद्दी बच्चा हो गया। ये देखो तो गाइस, मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से। वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो तो आप लोग देख लेते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो, पता नहीं क्यों। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो अव्यान, बाय करो गाइस को, बाय करो, बाय बाय गाइस।